पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुनवाई के दौरान सामने नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगा दी। जब बाबा रामदेव के वकील ने भीड़ का बहाना किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के वकील से कहा, आप अपने ही जाल में फंस गए हैं। पहले किसी वकील को नहीं आना चाहिए था। पहला आदमी वो होना चाहिए था जिसकी जुबान पर माफी हो। जिसके जवाब में बाबा रामदेव के वकील बलबीर सिंह ने कहा, ये मेरा फैसला था कि वो यहाँ ना आए और मैं माफीनामा दाखिल करूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब मान हानि करने वाले को बुलाया गया हो तो वकील की जरूरत नहीं, ये बेसिक है और हम आपको ये बेसिक नहीं सिखाएंगे। हम यहाँ एडवोकेट बलबीर सिंह का माफीनामा सुनने के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव ने खुद कोर्ट से माफी मांगते हुए कहा, मैं इस आचरण के लिए शर्मिंदा हूँ। हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की माफी को नाकाफी बताते हुए कहा, ये अदालती कार्यवाही है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम आपकी माफी स्वीकार नहीं कर सकते। 21 नवंबर की अदालत के आदेश भी अगले दिन रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिर्फ माफी पर्याप्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहा था। आप 2 महीने के बाद अदालत के समक्ष पेश हुए हैं। आपने हमारे आदेश के 24 घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये विज्ञापन प्रकाशित करना दर्शाता है कि आपके मन में कोर्ट के प्रति कैसी भावना है। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि हमसे गलती हुई है, हम इससे मुंह नहीं मोड़ रहे या छिपा नहीं रहे, हम स्वीकारते हैं और बिना शर्त माफी मांगते हैं। आप भ्रामक विज्ञापन को लेकर रामदेव के माफी मांगने और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे गुस्से को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।